सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेटर और अच्छे होंगे। आज मुझे मौका मिला है डिज्नीलैंड आने का और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने टिकट ली और टिकट ले करके हम लोग पहुँचे गेट पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और गेट के पहुँचने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सेल्फ़ी पॉइंट पर, जहाँ पर बच्चे सेल्फ़ी ले रहे हैं और टिकट के पैसे का आनंद ले रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत से सेल्फी पॉइंट्स थे यहाँ पर। सारे के सारे पॉइंट्स पर हमने सेल्फ़ी लिए, मज़े किए, क्योंकि यहाँ पर आने का टिकट लगा था तो टिकट का पैसा तो वसूल करना ही था, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे काफ़ी मज़े ले रहे हैं, ओके। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नीचे मेला की तरफ। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मज़ा आ जाए। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ही बेकार लगा, वो बेकार चीज़ ये था कि सब कुछ ठीक था लेकिन एक चीज़ बहुत बेकार था। वो क्या चीज़ था? वही चीज़ था कि यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी मिल रही थी। बाहर में जो मार्केट में चीज़ें 50 का था, यहाँ पर 100 और 150 का मिल रहा था, और थोड़ा सा भी कम नहीं कर रहे थे ये लोग, बहुत ही महंगा दे रहा था। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि इस मेला में कोई उतना खास आदमी लोग आया भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। और जो बगल में का तारा मछली दिख रहा है, इसको जैंट सर्कस बोलते हैं, वहाँ भी बहुत महंगा टिकट लग रहा था, जिसकी वजह से लोग, चलो कुछ नहीं, बट हम लोग बढ़ते हैं आइसक्रीम की दुकान की तरफ, जहाँ बहुत ही खूबसूरत और अच्छा आइसक्रीम मिल रहा था, बहुत ही बढ़िया था। खा करके तो मज़ा आ गया, जैसे आप देख रहे हैं बच्चे कितना आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी कमाल की आइसक्रीम थी और काफ़ी सुंदर भी थी, बहुत अच्छा लगा खाने में, काफ़ी मज़ा भी आ गया। इसके अलावा फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे हर तरफ जो लोग तो हैं ही, बट बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। जैसे बहुत से दुकानें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, बट काफ़ी कम, भीड़ भाड़ बहुत ही कम था, ठीक है। आप मेरे पीछे देखिए, कुछ दुकानें हैं जो काफ़ी खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल कम लोग आ रहे हैं उसी महंगाई की वजह से, जबकि यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिलना चाहिए सब चीज़ को। जैसे देखिए इसमें जो जेंट्स सर्कल से एक भी आदमी बैठा हुआ नहीं है, बस यूँ ऐसे घूम रहा है, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ पर एक बार भी आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपने आज क्या खरीदा, कैसा लगा। फिर बच्चों के डिमांड के अनुसार हम पहुंचते हैं टैक्सी वाले झूले में, और ये लोग टैक्सी वाले झूले में बैठते हैं और घूमते हैं और पूरा मज़ा लेते हैं। फिर हमने देखा मिकी माउस, वही पूरा खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि इसका भी टिकट बहुत महंगा मिल रहा था इस वजह से। इसके अलावा फिर हमने देखा वहाँ पे वाटर सर्विसेज भी थे, तो वो भी बहुत ही महंगा मिल रहा था, ठीक है। इसके अलावा और बहुत कुछ चीज़ हमने वहाँ पर देखा, बट देखने में काफ़ी ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखिए मेरे पीछे जो जेंट सर्कस घूम रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा था, रात के समय तो और भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे घूम करके यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें गन चलाना है, बलून फोड़ना है। मैं चलो ठीक है भाई, बलून फोड़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निशान लगा रहा है और हर एक सूट पर एक बलून फोड़ दे रहे हैं, काफ़ी देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा कि इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। और भैया भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने फटाफट बुलेट भरा और हमें दे गए। फिर लास्ट में गाइस हम फाइनल निकल पड़ते हैं अपने घर के तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी रात हो चुकी है और हम चलते हैं अपने घर के तरफ। तो गाइस बताना ये वीडियो को कैसा लगा, आप यहाँ आए कि नहीं आए हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।